पीबी फ्लावर की चैनल पे आपका स्वागत है आप इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आपको हार माननी होगी नमस्कार मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेहनत का फल मीठा होता है और आलस का क्या होता है आलस का ऑब्वियसली कड़वा होगा आपको पता नहीं चल रहा है <laughs> अच्छा मुझे लग रहा है आलस आलसी जो है उसको फल खाने का कोई इच्छा ही नहीं है तो उसी से एक स्टोरी याद आया यू जी ने बताया अपेरेंटली ये स्टोरी किसी को अच्छा हाँ वो क्या था कि एक आ, लड़का रहता है बहुत आलसी रहता है मतलब तुम्हारे जैसा हाँ मेरे जैसा <laughs> तो बहुत आलसी रहता है कि कुछ भी काम नहीं करता है उसका बाप इतना परेशान रहता है कि इसका क्या होगा और आ, बेसिक स्टडीज या क्या बोलते हैं उसको काम धंधा काम धंधा उसमें भी कुछ नहीं हाथ पटाता है कभी कुछ नहीं करता टेक केयर भी नहीं करता है तो उन, उनको लगा कि ये क्या हो रहा है भाई इसको भेज देते हैं किसी स्वामी जी के पास ठीक है ठीक करने वो वहाँ बैठे रहे हैं उनके साथ वो साधु जो है वो मेडिटेट कर रहे थे शायद वर्बैटिम वही स्टोरी ना हो कुछ मॉडिफाई हो गया लग रहा है भूल गया हूँ मैं बट उसमें वो साधु जो है वो तपस कुछ कर रहे हैं और बगल में ही इसको भी पिटा दिया बेटे को और बोला कि आप बहुत दिनों बाद है अच्छा दिया, बाप को वापस भेज दिया।, दिया कि आप यहाँ छोड़ दीजिए इसको बहुत दिन काफी दिन बाद कुछ एक हफ्ते बाद वो तो इनको तो कुछ चाहिए नहीं था साधु बैठा है आराम से और ये भाई साहब जो है उनका बेटा वो इतना आलसी है कि वो भी वही बैठा है उसको कुछ करना नहीं है हाँ। तो वो इतना एक हफ्ते के बाद बाप आए तो पता चला की ये ऑलमोस्ट डिहाइड्रेटेड और ये सब वहाँ पड़ा हुआ है थका हुआ है ठीक है तो बहुत बुरा लगा बाप को और उनको लगा कि अरे उसको खाना ले आता हूँ हाँ। खाना दिया तो वो इतना आलसी था कि सिर्फ मुंह खोल रहा था कि डाल दो तो मुंह पे <laughs> <के इंदर> खाना <laughs> तो तब उसको रियलाइज हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनका नेचर ही वैसा है कुछ यू हैव टू गिव तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा हाँ। वही ये चीज लेकिन हमारी सोसाइटी में नहीं सिखाई जाती हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि मेहनत करते रहो आगे बढ़ते रहो कोशिश वोशिश. कर कोशिश करते रहो इंग्लिश में भी तो है ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड करके सेइंग है ना अब तुम्हें था कि नहीं पता नहीं हमारे बचपन में यू नो लाइक एलिमेंट्री मिडिल स्कूल में हा? हमारा मॉरल साइंस करके एक सब्जेक्ट था अच्छा हमारे यहाँ था मॉरल साइंस उसमें ना ऐसे स्टोरीज रहते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी वाला अच्छा छोटे छोटे स्टोरीज रहते थे उसमें एंड में आता था मॉरल ऑफ द स्टोरी करके राइट नीति नीति पार्ट या कुछ रहता है हाँ। ना उसको तो उसमें हमें सिखाया जाता है एक स्टोरी मुझे याद है उसमें था कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड वाला है ना हाँ। वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था एंड में हाँ। <laughs> वो मॉरल ऑफ द स्टोरी था लेकिन स्टोरी ये था कि कोई स्पाइडर रहता है या बिल्ड करता रहता है और गिरता रहता है नेस्ट ऐसे कुछ तो है और कोई और आदमी रहता है वो अ क्यादरा था उसको देख के वो सीखता है व्हाटएवर कि तुम हाँ। कोशिश बरकरार रखो कभी ना कभी तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी अच्छा तो वो सिखाया जा रहा है उल्लू बनाने का तरीका है मुझे लग रहा है हाँ। ना, ना अगर तुम्हें इतना चाहिए तो यू you नो know, कई लोग हैं वैसे मोटिवेशन का पूरा इंडस्ट्री चलता है इसी के पीछे राइट right? कि तुम हाँ। कोशिश का बरकरार रखो कभी गिव अप मत करो नहीं लेकिन ये भी तो एक आर्ट होता है ना कि तुम कब कर दो छोड़ दो कब कब छोड़ तुम्हें कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए यह भी तो जानना बहुत जरूरी है और मेरे हिसाब से तो अगर आपको पता चलता है कि आपको कब कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए वो इंटेलिजेंस का साइन है मतलब उस, उसका मतलब ये है कि आप ज्यादा जानते हैं उस मूर्ख आदमी से जो कोशिश किया ही चले जा रहा है और उसे कभी कुछ मिलना नहीं <laughs> से वो एक है एक कोट याद आया दोस्त हु डोंट विन एंड डोंट क्वेट आर द लूजर करके ऐसे कुछ है वाह भाई वाह ये किस आदमी ने बनाया है ये ये बताऊं किस आदमी ने बनाया उस आदमी ने बनाया जिसको चाहिए कि हर कोई बिजी रहे नहीं, लेकिन, लेकिन नहीं लेकिन, अगर इंसान उलझा रहेगा ना कुछ पाने में तो फिर वो सोसाइटी के लिए अच्छा ही है ना वो जाकर के दंगा फसाद नहीं करेगा लेकिन उसमें तुमने सेकंड वाला पार्ट मिस कर दिया कोर्ट का लूजर वाला नहीं दोस्त हुए मतलब तुम जीत नहीं रहे हो फिर भी नहीं क्विट कर रहे हो भाई ओ, तुम अच्छा। सच में हो <laughs> अच्छा ठीक है तो वो वही बात हुई जो मैंने बोला कि अगर तो अगर आपको अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई चीज तो उसमें लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है हाँ, हाँ ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उससे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उसे उसे किसी और चीज में लगाइए हाँ वो पता नहीं किस चीज में लगाएंगे बट गिव अप जो है गिव अप करके बुक भी लिखा है ना यूजी के इसमें गिव अप वो मैसेज वही है शरणागति वाला मैसेज चाचा का वही था हाँ. कि तुम्हें तुमसे होगा नहीं भाई वो क्या बॉलीवुड वाला मीम है ना तुमसे ना हो पाए ऐसा हो हाँ. तो होगा नहीं मतलब तुमसे नहीं हो पाया छोड़ दो आ, आपकी बस की बात नहीं छोड़ दो तो वो नहीं करना है लेकिन लगे रहना है मैं तो लेकर रहूंगा मैं मतलब करके रहूंगा Okay. नहीं तो ऐसी कई कहानियां सुनाते भी हैं लोग मैंने देखा है कि अरे वो लगा रहा और उसे फिर मिल गया सिद्धि हासिल हुई सिद्धि सिद्धि का तो पता नहीं पर कुछ तो मिल गया <laughs> तो, अरे तुम अभी बिल गेट्स की भी एक कहानी सुना रहे थे नहीं हाँ, बिल गेट्स का भी कुछ दिन पहले वो कहानी देखो वही था कि उसने क्विट किया द स्टोरी वाज सब लोग को लगता है कि वो कॉलेज किट कर दिया मैं भी कॉलेज क्विट कर देता हूँ मैं भी बिलगेट्स हूँ तो यह कि, हाँ। कि जब तुम्हें छोड़ना है तब छोड़ना पड़ेगा जब तुमने कोशिश कर लिया राइट इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम कोशिश करो अपनी क्षमता के हिसाब से जब आप कोशिश कर चुके हैं तो उसके बाद भी अगर आप लगे रहेंगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं वो बिल गेट्स का कहानी क्या था कि वो पहले ये कंप्यूटर इन सब बिजनेस में उन्होंने जो चो, चो, चोरी करना शुरू किया <laughs> उससे पहले हालांकि वो इंटेलिजेंट बंदा है बट हाँ। उससे पहले वो कुछ आ, बड़े यूनिवर्सिटी में थे ना कौन से में थे वो पर, पता नहीं होगा वगैरह में तो उसमें वो कुछ क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे थे अच्छा। तो को, को, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते वो अपने डॉम वगैरह में कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वो हो नहीं रहा था उनसे तो किसी और बंदे से पूछा उन्होंने बोला कि नहीं इस दोस्त से पूछते उसको पक्का पता होगा कैसे सॉल्व करना है इसको तो ये दोनों गए उसके पास तो उसने देखा और बोला कि अरे इसका तो जवाब ये है सॉल्व करने से पहले <laughs> तो उनको लगा अरे तो बिलगेट्स ने पूछा तो ये सॉल्व कर चुके हैं तुम पहले भी तो उसने बोला नहीं नहीं ये प्रॉब्लम तो मैंने नहीं सोल्व किया लेकिन ये इस प्रॉब्लम देखते ही मुझे याद आ गया कि ये वही वाला दूसरे प्रॉब्लम की तरह है ये हाँ। तो पूरा मैंने उसी फ्रेमवर्क लेके इसको कंप्यूट किया और यही आंसर आ गया उसका अच्छा। तो उसको लगा कि इतना तेज है ये बंदा और ये क्वांटम फिजिक्स है इसके सामने तो मैं कभी भी नहीं बन पाऊंगा अच्छा तो उसने छोड़ दिया फिर क्वांटम हाँ, फिजिक्स तो मतलब उसको ये लगा की इससे तो आगे मैंने नहीं करने वाला हाँ तो इससे ज्यादा आता है तो फिर उन्होंने क्वांटम फिजिक्स छोड़ के कंप्यूटर में चोरी वगैरह करनी शुरू की हाँ देखिए आप कहाँ तक पहुंचे कि अब वैक्सीन वा, दे रहे वो उनका एक अभी फनी इंटरव्यू देखा मैं रिपोर्टर अभी हुआ है कोई रिपोर्टर उसको एकदम परेशान कर रही है हाँ। वो बोल रही कि तुमने विंडोज के लिए क्या क्या डॉस के लिए किसी से लिया तुमने सॉफ्टवेयर चोरी की और उसको सबको दिया तुमने सबको बांटा और एकदम बर्बादी मचाई सब लोगों को तकलीफ दिया तुमने अब वैक्सीन भी वही कर रहे हो जो तुम समझते नहीं हो उसको लेके सबको दे रहे हो और सबको तंग कर रहे हो लग रहा है कुछ पैटर्न है इसमें करके बता रहे मुंह खोलने नहीं दे रहे थी अच्छा ऐसे ही होना चाहिए भाई तो आई थिंक मैंने अपनी बुक में इस बारे में ये लिखा है कि जैसे जो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं ना जिनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं जैसे बिल गेट्स हैं तो उनको ऐसा लगने लगता है कि अब उन्हें समाज सुधार के लिए निकलना चाहिए मतलब ऐसा उनके अंदर आ जाता है कि अब अब मेरे पास इतना सारा पैसा आया मुझे समाज सुधार करना है तो बिल गेट्स उनमें से हैं उसके बारे में मैंने एक कहानी सुना है इस बिल गेट्स का फिलंथ्रपी के बारे में दो, दो कहानी सुना है मैंने हाँ। एक तो बी एम हेगड़े जो है ना उन्होंने बताया कि वॉरन बफे जो है वो पहले से बहुत करता है ना ये सब पैसे देना वगैरह उसका कोई फाउंडेशन वगैरह था शायद तो ये जो बिल गेट्स जो थे वो इसके पास बहुत पैसे थे लेकिन वो परेशान था और यू नो पीस ऑफ माइंड नहीं था इसके पास मन की शांति नहीं मन की शांति नहीं थी तो इसने सलाह दी कि तुम थोड़ा पैसा यू नो देना शुरू कर दो ने हाँ वारणबे ने बोला तो फिर वारन बफे तो बहुत कुछ तो कंपैरिजन दिया था कि इसने बहुत छोटा सा अमाउंट दिया इसने ने. ने, उसके में बहुत, छोटा अपना, जितना बहुत कम दिया उसने कम्पेयर टू तो जो दूसरे लोग इतना दे रहे हैं में, तो वहां से शुरू हुआ है करके तैयारी है और दूसरा कहानी यह है कि वो उसके वजह से वो तुम्हें तो पता ही है कि ये यूएस में तो चैरिटेबल डोनेशन में बहुत सारा तुम पैसे बना सकते हो। हाँ, वो tax benefit मिलता है उससे बहुत। हाँ, तुम दिया करके दिखा के मनी लॉन्डर मतलब एक एक हाँ, भी हो जाता है uh, but, uh, पता नहीं है ना बिल गेट्स हमारे यू you नो know, दोस्त थोड़ी है कि हमें पता थोड़ी है कि दोस्त का ही मन में क्या है पता नहीं चलता है <laughs> तो उसके मन में क्या है ये Guess. नहीं, उसके मन में क्या है? उससे हूँ कि ये लूप होल है गवर्नमेंट की में लूप होल है जो ये अमीर लोग जिसको फायदा उठाते हैं। और हमें लगता है की हाँ, चैरिटी को क्या बोलते है दान. दान दान दे रहा है हमें लग रहा है की वो दान दे रहा है और वो तो उल्टा दूसरे तरीके से पैसा बना रहा है थोड़ा पैसा देखे <laughs> अरे हम कहां से कहां आ गए वैसे आज का आज का टॉपिक टॉपिक बन गया अचानक <laughs> हाँ ये बिलगेट्स तो हमारा भी पॉडकास्ट हाईजैक कर रहा है <laughs> तो हाँ तो हम हम क्या बात कर रहे थे कि कोशिश के बारे में ना कि हाँ, कितनी मेहनत करनी चाहिए कितनी कोशिश बरकरार करनी रखनी चाहिए उसकी बात कर रहे थे हम लोग उस... यही चीज होता है अचीवमेंट कल्चर होता है ना ये कि मैं कुछ हासिल कर लूंगा इस पे होता है कि तुमने गोल बनाया हासिल करो अब वही चीज इस पे तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है तो हां जो या निर्वाणा हो या एनलाइटनमेंट हो कुछ भी बोलो बट व्हाट एक्चुअल तुम क्या देख रहे हो ये क्या बता रहे थे कि तुम्हें चाहिए एक भी क्षण तुम्हें दुख नहीं चाहिए हमेशा तुम्हें सुख चाहिए सु, मतलब दुख नहीं चाहिए सुख चाहिए कि नहीं वो अलग बात है वो फीलिंग नहीं चाहिए राइट हुँ, हुँ। तो उसके पीछे जो है तुम जाना चाहते हो इज है वो 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 और तुम्हें वो मानना नहीं है राइट तुम्हें हाँ। लग रहा है कि यूजी जैसे लोग है उनको वो फ्री हो चुके हैं हाँ। तो मुझे भी होना है मुझे भी होना है और मैं करके रहूंगा और उसके पीछे और कई लोग पंक्त वगैरह बना रखा है राइट उन्होंने वो परंपरा बना रखा है इन्होंने कि गुरु लोगों का हाँ। अब वो वो भी क्या करे है? अपना बन, बनाना पड़ेगा उसी से एक और टॉपिक याद आया हम चैलेंज नहीं करेंगे गुरु परंपरा को कभी चैलेंज नहीं करते हैं हाँ वो रही? तो है उन पे सवाल नहीं उठा सकते इनको सवाल नहीं उठा सकते हैं हाँ। अब यूजी जी जैसे कोई और हमें बोल सकता है कि तुम भी तो वही कर रहे हो ना तुम भी यू का गाना गा रहे हो Right? हाँ मैं तो गाना गा रही हूँ अच्छा <laughs> नहीं लग रहा आपको तो आप कोई और गाना सुन लीजिए प्लीज <laughs> <laughs> नहीं मैं ये बोल रहा हूँ प्रॉब्लम यह है की यूजी का कोई स्टैंड ही नहीं था ना हाँ वो बात नहीं समझता ना कोई किसी को पता कॉमन मैन वाला स्टैंड कॉमन मैन वाला स्टैंड था।, था हम लोग यूजी को पॉपुलर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम हम तो उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बोला क्या था क्योंकि देखो भाई उन्होंने तो कोई ऐसा संस्था बनाई नहीं थी वो एक्चुअली वो था कि यूजी ने मुझे ऐसे लगता है कि यूजी ने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को छेड़ के उनके पास ओपिनियन था सबके बारे में हाँ। और अलग अलग ओपिनियन था एंड हाँ। वो कंटेंट बेसिकली उनके पास था बहुत सारा क्योंकि उनका ओरिजिनल कुछ था हाँ, चीज़ है, विच वॉज ओरिजिनल अब ये है कि जो जेके को फॉलो करते हैं, करते थे हुँ, उनको शायद कुछ रिसेम्बल करते हुए बोल रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि जे जेके भी यही बोलते थे ये भी बोलते थे और कोई और इनफैक्ट तुम लेकर आओगे तो तुम ये भी बोल सकते हो कि हाँ मेरा आदि शंकराचार्य भी यही बोलते थे अप टू द फॉलोअर तुम भी इंटरप्रेट कर रहे हो यूजी ने ये बात क्लियरली बता दिया था कि दिस इज डॉग बार्किंग इसीलिए बोल रहे थे अब उसको लोगों ने किसी और तरीके से इंटरक्ट क्या इंटरप्रेट किया है समझ के उसे बोलना हाँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ बता रहे थे रहे तो, उनका ये था कि इट वॉज फैसिनेटिंग उनको देखना ही एक ये था इट वॉज एंटरटेनमेंट भी था ना? हाँ, कुछ और बोलते थे जो बोलते नहीं था कोई और, <laughs> और, और बहुत दूरदर्शी टाइप थे वो हाँ और को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं लेकिन वो अपने समय से हाँ, समय से काफी आगे थे से, वो अपने उन्होंने काफी सारी चीजें जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो रही है वो सब उन्होंने पहले से ही बोला था हाँ और काफी टाइम लगा समझने में कि दिस इज जस्ट लाइक एटलीस्ट मुझे टाइम लगा समझने में और शायद गलत समझ के भी बैठा हूँ राइट वो अलग बात है अब तुम्हारी समझ जितनी है उतना ही तो समझोगे भाई माफ हाँ। कर रही हूँ तुम्हें चलो हाँ वही हम <laughs> क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना जैसे कई बार हमेशा कि तुम्हें खुद पता नहीं चल रहा है क्या कि तुम क्या कौन हो सबको पता है अपना औकात सबको पता रहता है अब तुम उसको देख सकते हो कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर है वही अब जो अपने को देख नहीं पा रहा है ठीक से वही मेहनत किए चले जा रहा है आई थिंक हाँ, उसको तो उसको पता नहीं चल रहा है कि आप बंद कर देना चाहिए ए, उसको है, इसलिए ऐसे भी तो लोग है ना जैसे अगर आपने आ, गिव अप कर दिया आपने कहा मेरे से नहीं हो रहा छोड़ दिया तो वो उस पर भी डॉन्ट करने आ जाते हैं स्पेशली माँ बाप ऐसे होते हैं और इसने तो कोशिश ही नहीं की Enough ये भी क्रिटिसाइज किया था यू ने कि गुरु लोगों का यही रहता है हमेशा वो लोग बोलेंगे कि तुम्हारी गलती है कि तुमने कोशिश की नहीं तुम्हें इसलिए मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है या तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या है ये सब क्योंकि तुम्हारी गलती है तुमने नहीं की तुमने मेडिटेशन ठीक से नहीं की तुमने और कोशिश नहीं की या तुम्हारे ऊपर भगवान की भगवान कृपा की नहीं है तुम्हें वेट करना पड़ेगा तो रिलीजन ने बहुत अच्छे से अपने को कवर कर रखा है राइट की वो सिस्टम ने बहुत अच्छा फुल प्रूफ बड़ा कब्जा कर रखा है तुम्हारे दिमाग पे हाँ वो तो है तो वो बोल रहे थे छोड़ो सिंपल सी बात ये था कि छोड़ो भाई ये सब हाँ यूजी का तो मुझे मालूम है उन्होंने तो यही बोला था कि छोड़ दो जस्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा अब हो गया है ये नहीं है कि अब हो गया अब मैं भी बन गया अब मेरे साथ भी हो गया मैं भी चौकीदार वाला मोमेंट था ना होता है मैं भी बन गया यूजी नहीं है वही था ना वो वाला वो सेंसर करते थे मैंने नोटिस किया था जैसे इनर सर्कल वालों को वो थोड़ा तुम्हें डिक करोगे कर तो पता चलेगा ऐसे वो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें देते थे तुम उनको वहां खड़े होकर नहीं बताते थे, तुमने तो ये बोला था राइट स्क्रिप्टचर्स वगैरह में यही रहता है कि तुमने तो एक बार लिख दिया ना वैसा अब हाँ। लेफ्टो इंटरप्रिटेशन तो लिख दिया गया है हां अब मैं वो उस दिन का देख रहा था जो श्रीयम वाला जो वीडियो देख रहा था ना हाँ? वो पॉपुलर हो पड़ा है वो ईयर इन जो रुद्राक्ष दे रहे हैं सब हाँ, तो उसका मैंने देखा कि वो उनका पोजीशन वैसे देखा जाए तो वो वो कर रहे जो उनको अपने गुरु गुरु ने सिखाया है राइट उनकी श्रद्धा है उनकी ये है उन्होंने गुरु माना हाँ? अब उन्होंने एक टाइम उनके इससे स्लिप भी हो गया उन्होंने बोला कि मैं तो फुल सपोर्ट भी करूंगा मतलब ई वॉज क्लियरली टॉकिंग लाइक कि मैं इस टीम पे हूँ हाँ उन्होंने टीम बना ली थी। हाँ मैं इस टीम का हूँ मैं अपने यू नो अपना ही झंडा ये करूंगा तो उसमें तुम आ चुके हो कब्जे में कि तुम अपने गुरु को तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो राइट तुम क्योंकि तुम अपने गुरु को ही क्वेश्चन करोगे अरे तो कोई तो आ गया था उस दिन सौरभ का वकालत करने के लिए उसकी मैंने गमेंट हटाया अजीब लोग हैं कोई बात नहीं हाँ। तो अपने गुरु को कोई नहीं छोड़ता है ना? अरे तो होंगे उनके गुरु मैं क्या करूं मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी को बोल भी नहीं, नहीं। किसी का गुरु जाके था मसाया मेस बिहाइंड एंटरटेनमेंट चैनल चला रही हूँ मैं किसी को मोक्ष देने के लिए नहीं चला रही हूँ मैं बस यू ने जो कुछ भी बोला था वो जो जितनी बारी भी सुनो समझो वो कुछ और ही पता चलता है उसका तो मैं उससे थोड़ा सा आ, हैरान रहती हूँ तो मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ बस वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही बांट रहे हैं और बात करने के लिए कंटेंट इंटरेस्टिंग कंटेंट है अपने लिए जो इंटरेस्टिंग है वो तुम करोगे ना तो ऐसा मतलब नहीं है कि अब तुम ये कंटेंट अब हमारी बेटी जो पंद्रह साल की उसको तो कोई मतलब नहीं है वो तो सुनना ही नहीं चाहती ही तो मेरी इन बात से कोई सुनना नहीं चाहती <laughs> है राइट तो वैसे लेकिन हालांकि ऐसे जो बच्चे हैं इंडिया में जो ऑलरेडी बहुत डीप जा सब में मैं देखता हूँ आजकल जो एस्ट्रोलॉजी ये सब जो करते ओ हाँ, एक छोटा सा बच्चा है ना जो कुछ है उसका नाम है अभिज्ञा अच्छा तो वो करता है काफी कुछ यू नो नहीं तो अब हम इंडियन पेरेंट्स तो नहीं बन सकते ना कि देखो वो लड़का तो ये सब कर रहा है तुम नहीं कर रहे वो शर्मा जी का बेटा वाला जैसा करना है वैसे रहो भाई हमें क्या है ना हाँ? तो गिव, गिव कहा पहुंचे हाँ, हाँ? वो बोल रहे थे की होगा नहीं तो छोड़ दो बस हाँ? तुमसे नहीं तुमसे नहीं होगा ये किसी से भी नहीं होगा ना कुछ करना है इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर है और वो कहा मैं था कि लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें वो बताते थे ऑन पर्पज बताते थे राइट कि उनको है? कोई मतलब नहीं था कि वो कंसिस्टेंट रहे हुँ. जैसे एक तरीके से वो बोलते थे देर इज नथिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन भारतीय संस्कृति का कुछ नहीं है मतलब हुँ. राइट परंपरा का कोई मतलब नहीं है हुँ. और दूसरे जगह कहीं उन्होंने कोट किया किसी कॉन्टेक्स्ट में कि मैं ऐसे भारतीय यू uh, नो you know, ओशो के मामले में होता था कि ये तो हमारा नाम खराब कर रहा है कल्चर खराब कर रहा है <laughs> <laughs> उनको गुस्सा आ गया था तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है राइट right? तो उस कॉन्टेक्स्ट पे होता है उसी को लेके तुम नहीं कर सकते ये फनाटिज्म बन जाता है यू you नो know, जैसे आ, कोई आके ना अब यूजी के बारे में बोले कि तुम्हारा ऐसे हुआ है कई लोग मुझे यूजी पसंद है एंड यूजी यूजी का ये कई सारा कॉन्वर्जेशन पसंद है उनका स्टैंड पसंद है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूजी ही सही है यू नो जैसे कोई धार्मिक पंथ लेना चाहता है हुँ. राइट? कोई श्रृंगेरी में जाके ये करना चाहता है कोई मेडिटेशन करना, करना चाहता है कुछ भी करो अपने मजे के लिए सब लोग कर रहे हैं बस हाँ, अपनी हाँ, शांति के लिए या तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारा गलत है मेरा सही है

थोड़ा अपडेट करके लिख दिया है कि भगवान के पास एक ही रास्ता है और एक ही मसीहा है हाँ। और दूसरा आके बोलेगा उसको सुनना मत ये भी लिख दिया है कहीं तो मारने को भी बता रहे हैं है हाँ, <laughs> तो वो अलग बात है अब गुरु वाले धंधे में यही प्रॉब्लम है कि गुरु से ज्यादा शिष्य जो है वो डेंजरस है हाँ वही शिष्य लोग ही तो डेंजरस है शिष्य ही तो आके मेरे में कॉमेंट कर रहे थे वहाँ की कैसे तुम मेरे गुरु का निरादर कर निरादर कर रहे हो तो वही है कि तुम अगर यूजी को कई लोग बोलते हैं है कि बताए ये क्या यूजी यूजी के क्रिटिक्स भी बहुत है राइट कई एक बंदे ने इतना लंबा एक जगह कमेंट लिखा था कि मैंने बस सब एनाल कर दिया है यूजी को हुआ क्या था कि उनका फ्रंटल लोब समथिंग में कुछ ब्रेन डैमेज हो गया था हाँ। तो इसीलिए वो ऐसे कर रहे थे सब इतना लंबा कुछ लिखा था अरे किसी हाँ। ने मेरे पॉडकास्ट में भी कॉमेंट किया था कलेमिटी के बारे में बात करने के लिए यूजी की हाँ कैलामिटी पता नहीं उन्होंने वो टर्म इन्वेंट किया था कि कैलामिटी के बारे में बट उसमें क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है वो एक गिव अप उसी से आया है वो ऑडियो का सेगमेंट का नाम ही गिव अप है अच्छा? बहुत बड़ा सा है वो हाँ. टेप हाँ। रिकॉर्डर में आ, किया गया है उसमें. अच्छा वीडियो नहीं है वीडियो नहीं है ऑडियो है वो इट वाज दो जो यूजी वो जो सात दिन के कैलामिटी के, के बारे में वो बात करते हैं हैं डिटेल में बात कर रहे हैं। क्या हुआ और बहुत शांति से बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या हुआ हाँ और उसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर जो बैगलोर में वो तो एक लाइब्रेरी टाइप एक जगह था मैं गया बचपन में वहां पर तो वहाँ पर वो आके उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था वन एंड ओनली पब्लिक लेक्चर अच्छा हाँ वो है ऑनलाइन है तुम देखोगे तो उनका एक, ये भी है, इतना बोलने की कोशिश की उसमें से कि आर्टिकुलेट किया गया में तो वो बहुत अच्छे थे एंड उसको हेट करने लगे थे एंड में वो हुँ। उनका हुँ। रोजी रोटी उसी से आता था लेकिन वो हेट करते थे उसको अच्छा हाँ बर्नआउट हो गए थे करियर में और एक टाइम पे वो जब सड़क में यू नो सड़क पे सोते थे और लंदन में ना वो गए थे और रामकृष्ण मिशन गए थे कि कैसे भी रात में यहाँ गुजार लू तो उसमें उन्होंने उनो, बोला कि मैं कुछ भी बर्तन वर्तन धो लूंगा मुझे ये सब नहीं करना है लिखना पढ़ने का काम नहीं अच्छा तो ये वो भी उन्होंने गिव अप कर दिया देखो हाँ लेकिन बहुत सारे हैं तुम अगर निट पिकिंग करना चाहते हो ना जो इमेज जो बना रखा है ना प्रॉब्लम है कि गुरु का पदवी भी ऐसे हमने दिया है टिपिकली गुरु या भगवान को ऐसे किया कि परफेक्शन का तुमने किया है कि ये तो परफेक्ट ये तो हाँ, इनमें कोई नहीं कोई गलती है नहीं हाँ। है नहीं, लेकिन वो भी इंसान है भाई वो भी उसी माइंड चैनल थ्रू किया है तुम उनको सब देखोगे डिटेल में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे तु, तुम्हें कि हाँ। तो तुम निकाल के कर ही सकते हो अब उसको लेके तुम तो नहीं कर सकते हो ना आपकी अरे यूजी ने ये बोला है तो यही सच है अब सबको मानना ही पड़ेगा करके तुम झंडा लेके नहीं जा सकते हो सब जगह अपना हाँ। वो तो है ये मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में मुझे इट हैज यू नो उनका वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है ऐसे नहीं है कि टू बी ऑनेस्ट

YouTube में YouTube नहीं था जब उन यूजी का फर्स्ट वीडियोस मैंने देखा ना तब YouTube नहीं था उनका एक वेबसाइट था YouTube तो 2006 में आया भाई हाँ 2006 में आया था बट जब मैंने उनका वीडियोस देखा था शायद फर्स्ट टाइम देखा था मैंने 2004 या समथिंग था अच्छा तो, तो हाँ तो वो वेबसाइट सही रहा होगा हाँ वेबसाइट था श्री कृष्णमूर्ति का वेबसाइट था तो उसमें वो सब किसी ने मेंटेन किया था आई थिंक जूली था और कोई थी उसने फंड किया था उसको अच्छा तब वो इंटरनेट देखो वो विजन दूरदर्शी के बारे में था देखो ये यूजी ने सजेस्ट किया था कि ये मीडियम मैं प्रेफर करता हूँ वीडियो हाँ वीडियो जो ऐसे रिकॉर्ड करके ऐसे डाल दो कहीं अच्छा उन्होंने ऑलरेडी बताया था बताया था कि ये वाला बेटर है पहले टीवी में उन्होंने इंटरव्यूज देते थे राइट right? तो उनको पब्लिक स्पीकिंग का कोई ये नहीं था हाँ। कई बार इंटरव्यूज देते थे या बैठ के वो वीडियोस करते थे एक एक बंदे ने एक्चुअली ये भी लिखा था किसी कमेंट का ही इसमें कि यूजी से ज्यादा मेरा रियल गुरु है वो जो उनके फ्रेंड्स से जो यूजी जी के इंट्रैक्शन को रिकॉर्ड करके सेव किया उन्होंने ये भी सही है सही में उन्होंने देखो उसको टाइमलेस बना दिया है ना कि वो हमेशा है स्पेशली उनका क्लियर उनका कॉन्वर्जेशन है तुम्हें एक और है कि यूजी कभी एक जगह बैठ के लेक्चर नहीं देते थे, थे हाँ वो मोनोलॉग वो नहीं करते थे दैट्स ट्रू हाँ, उनका वो लेक्चर वाला सीन नहीं था वो कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत थी जैसे किसी कोई कुछ पूछ रहा है वो उसका जवाब दे रहे हैं इस तरीके से था चार लोग मिलके बातचीत कर रहे हैं वैसा था ऑब्वियसली वो गुरु की तरह एक जगह बैठ के सिर्फ समझाने में नहीं लगे हुए थे हाँ और कई बार उनके साथ ये भी है कई वीडियोस में ये दिखाया गया है की कॉन्वर्सेशन कुछ आ नहीं रहा है अच्छा नो you know, और उन्होंने वो एडमिट भी किया था एक वीडियो में बोला कि समटाइम्स आई फील डल एंड स्टूपिड भी बताया था उन्होंने याद है अच्छा तो अच्छा हाँ हाँ कि वो कई बार उन्होंने बताने की कोशिश की है वीडियो में क्लियरली कि वो भी यू you नो know, ये मत भूलना कि वो भी एक <coughs> कोर जो तुम देख रहे थे वो भी इंसानी थे हाँ वो भी इंसानी थे और वो भी कर रहे। सारे ताम, सारे ताम कोशिश में नहीं लगे थे वो, वह, जब नहीं वही हो रहा अच्छा वो तो कोशिश ही नहीं कर रहे थे तो छोड़ने की तो बात ही आ गए क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश कर दी थी उन्होंने सब किया ना तो उनका ये था कि उनका बैकग्राउंड ऐसा था वैसे दादर साइड दूसरा स्टाइर्स तो या भक्तों का तुम इट hmm. का भक्त वाला अगर मैं टोपी पहनू देखू तो, मैं मैं तो यूजी ने क्या क्या नहीं किया हाँ. इतने श्रद्धा से उन्होंने सब कुछ किया हाँ. राइट और हाँ. उनका स्टैंड था कि ये सब करने के बाद भी मेरे को कुछ हो गया हाँ. हा, हा, हमेशा लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि एक एक चीज मुझे बॉदर करता है यूजी के बारे में क्या कि वो क्यों बताए वो क्यों बाहर आए ये सब बताने अपने बारे में हा ना क्यूँकी होता तो यही है की अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उस तो दुनियादारी छोड़ उनका आप श्रृंगेरी चले जाओ अच्छा। कर्नाटक में श्रृंगेरी है ना आदि हाँ, श्रृंगेरी मेरे पापा और श्रृंगेरी के पले बड़े थे वही अच्छा तो मैं कभी गया नहीं था बट कुछ साल पहले गया था मैं और मेरे भाई गए थे देखने के लिए पापा कहा पहले बड़े थे वगैरह बहुत हाँ। बहुत अच्छी जगह है एक्चुअली राइट और स्टोरी ये था कि श्रृंगेरी में शंकराचार्य ने जो मठ स्थापित किया ना हाँ। तो चार कुछ इसमें तो स्टोरी गोस की उन्होंने देखा कि जो नाग जो क्या है वो सांप सांप में नहीं सब तरीके का सांप नहीं है कोबरा कोबरा को क्या बोलते है कोबरा नाग रियल नाग जो रहता है वो शेषनाग शेषनाग नहीं भाई मुझे नहीं पता तो कोबरा जो है आ, वो वैसे हुड निकाल के बैठा था और उसके नीचे एक मेंढक अच्छा हाँ तो वैसा कॉन्ट्रास्ट उन्होंने देखा कि ये क्या जगह है यहाँ अच्छा। पर ऐसे करके उन्होंने उनको अच्छा लगा और ये सब बहुत अच्छी यू नो सीनरी वगैरह बहुत अच्छा है वहां पर अच्छा एंड कर्नाटका में वेस्टर्न गार्ड्स है ना अच्छा तो हम लोग गए थे पास में ऑलमोस्ट उसके अच्छा तो वेस्टर्न गार्ड्स है वो मलनाट बोलते है तो सिंगेर ये यूजी जो थे फिर उनको कोई बोला यू जी ने बोला की मुझे दुनिया कहीं केव टाइप में चला जाऊंगा गुफा में मुझे कहीं श्रृंगेरी में कुछ जगह दिला दो तो मैं वहां बैठ जाऊंगा हाँ, हाँ. वहां श्रृंगेरी का क्या है अगेन वो गोस बैक टू मैं क्या बोल रहा था कि धार्मिक पंथ जो है हाँ. उनको ये है कि उनका गुरु गुरु परम्परा है वहां हाँ, पर, गुरु परम्परा राइट हाँ, गुरु परम्परा और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर कुछ और हैं कुछ और ही हो गया है जिसको वर्क कर रहा है वर्क करने है तो मैं जाके नहीं बोलूंगा की ये गलत है राइट मुझे कुछ लेना देना है मैं नहीं जाऊंगा तुम जाऊ ठीक है तो उसमें गुरु परंपरा वाला जो है वो, वो उस टाइम के काफी सारे गुरुस थे जैसे मेरे दादाजी जो थे वो उसमें एक, उसी मठ में काम करते थे उस टाइम पे एक गुरु थे जो चंद्रशेखर भारती थे वो बहुत बड़े जीनियस थे लेकिन उनको मेंटल ये थे प्रॉब्लम्स तो मेरे पापा ने एक स्टोरी बताया था उनके बारे में ये स्टोरी के अंदर स्टोरी में याद आया कि बचपन में मेरे दादाजी जो थे वो बताते थे मेरे पापा को स्टोरी की ये इतने तेज थे ये जो लुकअप कर सकते हैं चंद्रशेखर भारती के आ, उन्होंने बहुत बुक्स भी लिखे हैं वैदिक मैथमेटिक्स इन सब चीजों में अच्छा जीनियस टाइप थे तो वो क्या उनका आ, क्या था कि जब बाढ़ आते थी ना वहां पर श्रृंगेरी में तुंगाभद्रा रिवर बहुत अच्छे से बहता है बाढ़ आते थे तो भाग रहे हैं वहाँ डूबने डूबने भाग रहे हैं और सब लोग ये सब जो असिस्टेंट है मेरे दादा ये सब लोग पकड़ के ले आ रहे हैं उनको अच्छा राइट खींच के ले आ रहे तो एक बार आ, वो जो हाथ में जो कमांडल हुए हाँ। थे वो पानी में जाके मर गए थे अच्छा सुसाइड था अच्छा अच्छा तो स्टोरी ये था इसका लिंक क्या है कि जब यूजी नेक्स्ट जो स्वामी थे उनसे मिले तो उन्होंने बोला वो थोड़ी देर उनको देख के पता चला कि इनके साथ कुछ तो हुआ है राइट तो उन्होंने बोला कि आप जिंदा कैसे हैं? अच्छा क्योंकि स्क्रिप्चर के हिसाब से 27 डेज या 28 डेज कुछ रहता है कि इतने दिनों के अंदर यू नो बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगा अच्छा जाना ही है मर जाना है हाँ, अच्छा। तो और यूजी बहुत मजाक करते थे इसके बारे में कि वो बोलते हैं ये सब क्या बकवास है राइट <laughs> तो वो यूजी का हमेशा ये रहता था जल समाधि समाधि करके एक स... ये भी है सुनो कहीं तो है वो अच्छा। उसके बारे में वीडियो वीडियो है जल समाधि करके था अच्छा टाइटल क्योंकि हाँ टाइटल नहीं है बट कहीं कोट किया है उन्होंने जल समाधि कई सारे लोग जल समाधि गए हैं और गुरु लोगों का ये रहता है ना समाधि वाला हाँ, समाधि ले लिया उन्होंने समाधि <laughs> ले लिया बेसिकली मतलब डेड बॉडी को कुछ ये करने के लिए समाधि कर हाँ। तो जल समाधि बोलो तो इन्होंने क्या उनको सजेशन दिया श्रृंगे ने कि मैं दे तो दूंगा आपको जगह हाँ। लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे कि लोग आएंगे ही आपके पास ऐसे अगर न, हुआ है आपके साथ कुछ हाँ. और आप यू नो देर इज प्रबली रीजन है नेचर ने आपको छोड़ दिया है हुँ. आप छोड़ दीजिए ना क्यों आप उसको हाइड कर रहे हैं गिव अप अगेन तो उन्होंने हाँ. सोचा चलो भाई ये भी गया करके <laughs> वो घूमने <आप, laughs> <laughs> लगा अपना अटैच लेके सब जगह <laughs> अच्छा। उनको ट्रैवल का अच्छा लगता था मैंने नोटिस किया है वो कि ट्रैवल आई थिंक उनको ट्रैवल पसंद था हाँ वो तो पूरी दुनिया घूम रहे थे हाँ। यूरोप से अमेरिका से इंडिया सब जगह बट उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि उनको ट्रैवल पसंद नहीं है लेकिन जाना पड़ रहा है ये क्या बात इसीलिए उनको <laughs> नहीं समझ सके परिवार वाले नहीं समझ पाए उनके आसपास वाले जो समझ नहीं पाए मेरे ख्याल तो मेरा और तुम्हारा सीन था जैसे मुझे पसंद नहीं है और तुम्हें पैर में चकर घिन्नी लगी हुई है और तुम सब जगह घूमते रहते हो मुझे साथ में लेके हाँ लेकिन ऐसे नहीं है कि देखो ट्रैवल सच उनको उनका पता नहीं मुझे कि जैसे मुझे ट्रैवल करने का ये रहता है कि एक जगह बैठ नहीं सकता मैं। अच्छा तुम्हें ये नहीं है कि मुझे जगह दूसरी देखनी है तुम तुम एक जगह नहीं बैठ सकते एक जगह नहीं बैठ सकता हूं, वो प्रॉब्लम है मुझे तो हिलते रहो कहीं उनके जाने की क्या जरूरत पता नहीं भाई तुम्हें भी गिव अप करना चाहिए ठीक है पॉडकास्ट तो बनाने निकल पड़े हो थोड़ा सा गिव अप भी कर लो गिव अप को ही एक टास्क बना दिया तो क्या बाप रे तुमसे तो बात ही करना मुश्किल है <laughs> तो अभी अब हमारा पॉडकास्ट फिर खत्म क्योंकि यूजी भी गिव अप नहीं कर पाए और या तो यूजी जी ने गिव अप कर दिया कि वो गए थे समाधि लेने या बैठ जाने किसी गुफा में श्रृंगेरी में पहुंचे थे लेकिन और वो नहीं चाहते थे कि वो दुनिया में घूमे और सबसे बात करें वो लेकिन हुआ नहीं लेकिन समराइज नहीं कर सकता ये, ये तो है कि तुम ये बोल नहीं सकते हो कि फिर यूजी ने ये फैसला लिया और उनका ये फैसला नहीं लिया यू मकसद नहीं था उनके पास अरे यूजी ने कुछ नहीं हाँ। किया भाई सॉरी नहीं फिर मैं भी वही हो गया कि मैं यूजी का डिफेंड करने आ गया ना कि हाँ जैसे अजीब चेले हो तुम लेकिन वही है कि वो उतना उन्होंने अब अब क्या माइंड इतना क्लेवर है वो बोलेगा कि अच्छा या अब यूजी ने बोला था कि गुरु को चैलेंज करना है अब मैं जाके यूजी का चैलेंज करता हूँ जाओ <laughs> हाँ ऐसे भी लोग घूम रहे हैं नहीं लेकिन मैं ये सब नहीं कर रही हूँ मैं बस ये कह रही हूँ कि देखिए यूजी तक को गिव अप करना पड़ गया है तो आप भी अप कर दीजिए ठीक है कोशिश में मत लगे रहिए जब कोई चीज नहीं हो रही है तो उसे आप छोड़ सकते हैं आराम कीजिए उसी से याद आया जो तुम बता रहे हो अभी लेटेस्ट वो जो बाबा जो निकले जो पैरडी वाला जो है वो जो क्या? सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प सिंह करके गूगल करके अच्छा उनका बड़ा अच्छा फंडा रहता है वेरी सिंपल तो कोई साउथ अफ्रीकन कोई कॉमेडियन है ओह उनका वैसे ही है वो वही बता रहा है आपसे कुछ हो नहीं रहा उस दिन को यूनिवर्स बता रहा है आपसे कि ये होने वाला नहीं है तो आप सब छोड़ दीजिए काम वगैरह घर जाइए आराम कीजिए सो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने का। <laughs> तो बस आज के पॉडकास्ट का यही निष्कर्ष है जाइए घर में सोइए चलिए फिर अगली बार मिलते हैं किसी और टॉपिक पे बात करते हैं नमस्कार